जब तक तुम्हारे ये दोनों हाथ कटकर जमीन पर नहीं गिर जाते कोई नहीं आएगा। नहीं सरकार, सरकार नहीं, सरकार सरकार नहीं, सरकार सरकार नहीं, नहीं सरकार, सरकार नहीं, सरकार सरकार। राजकुमार जी ये लीजिए। हाँ, हमारे लिए बस इतनी सी मुद्रा है। अब हमारे हुकूमत में तुम लोग बताओगे हमारी प्रतिष्ठा। हाँ नहीं राजकुमार जी, हम तो दास हैं, हमारे कहां इतनी औकात कि हम किसी की प्रतिष्ठा बताएं। राजकुमार जी जैसा छोटी रानी आदेश देती है हम सिर्फ उतना ही करते हैं। हाँ सरकार। क्यों, और हमारे आदेश का क्या? हमारी बात की, हमारी तलवार की कोई कीमत नहीं है? नहीं सरकार, ऐसा नहीं है सरकार। अगर ये हाथ हमारे लिए धन निकालने का कार्य नहीं कर सकते तो ये किसी काम के नहीं है। नहीं, काट देंगे हम अभी से। नहीं रसमा जी, मत काटिए, हम तो छोटी रानी के आदेश का पालन कर रहे हैं। जितना आपके अधिकार में था हम उसे ज्यादा धन आपको दे चुके हैं। अब हम और राशि देंगे तो वो छोटी रानी के आदेश का उल्लंघन होगा और राजद्रोह। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि अभी हम जो कर रहे हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो फिर तो हमने सही सोचा है। हाथ रखो। नहीं सरकार। हाथ रखो। नहीं सरकार। हाथ रखो। जिन उंगलियों से धनराशि निकालने की कार्यवाही तुम करते हो अगर वो उंगलियां ही नहीं रही तो फिर कैसा राजद्रोह और कैसा नियमों का उल्लंघन। छोटी रानी, आपको मल्हार सरकार ने बुलाया है। बाबा साहब से कहिए मैं आती हूं। मालेराव, तुम यहां? जी आई साहब, वो हम हमारा वेतन लेने के लिए यहाँ पर आए थे और इनसे कह रहे थे कि हमारे राज्य की प्रजा कितनी मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो हम बस हमारी तरफ से हमारे वेतन में से 10% उन्हें लौटा देंगे। हमारी तरफ से राज्य की प्रजा के दुख निवारण के लिए एक छोटा सा योगदान होगा, शायद किसी का भला हो जाए। और हाँ, याद रहे हमारी दी गई धनराशि का सदुपयोग होना चाहिए, मतलब जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये धन पहुंचना चाहिए। ठीक है? जी सरकार। प्रणाम काका। अधिकारी जी। जी छोटी रानी, काशी में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका कार्य तो कुछ भावजी देख रहे हैं। इस कार्य के लिए इन्हें जितनी भी धनराशि चाहिए आप इन्हें दे दीजिए और इस बारे में मेरी मुहर लगा हुआ आदेश पत्र ये रहा। क्या बात है अधिकारी जी? सरकार नहीं, 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 नहीं।
भाई साहब यहाँ पर आ रही है, अगर गलती से भी उनके सामने अपना मुंह खोला ना तो अगली बार हाथ नहीं सीधा गला काटेंगे। जी सरकार। और हाँ भाई साहब, अगर पूछे तो ऐसा कहना कि हम यहाँ पर अपना वेतन लेने के लिए आए थे। जी जी सर। जाओ काम करो। कुछ नहीं छोटी रानी, बस ये सोच रहा था कि कितना नेक कार्य है ये। शिव शंभु आपको सफलता दे। धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।